नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। पिछले ढाई महीने से तमाम धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अब सरकार ने इन धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कवायद तेज़ की है। आज से तमाम धार्मिक स्थल जो हैं वो खुल चुके हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना शाहबुद्दीन साहब। शाहबुद्दीन साहब से बात करेंगे कि ये जो धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, इसको लेकर के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं या दरगाहें हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। शाहबुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो दरगाहें अभी खोली गई हैं और ये जो धार्मिक स्थल खोले गए हैं, क्योंकि पिछले ढाई महीने से तमाम ये धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अब इन्हें खोल दिया गया है, तो फिलहाल दरगाहों के आगे और जो धार्मिक स्थल हैं उनके आगे क्या चुनौती है? मजहबी मकामात, वो चाहे दरगाह हो या मस्जिदें हों, इनको खोलने का मरकज़ी हुकूमत ने और रियासती हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, इसका हम इस्तकबाल करते हैं और ये अच्छा कदम है। बहुत सारे ऐसे अकीदतमंद जो मज़ार पर हाज़िरी देना चाहते थे या जो उनकी आरज़ुएं थीं या तमन्नाएं थीं, उसको साहिब मज़ार के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहते थे, ये तमाम चीज़ें रुकी हुई थी, मगर इनको आज से खोल दिया गया है। ये एक बेहतरीन कदम है, मगर उसकी तैयारियों के लिए कल ज़िलाधिकारी और SSP साहब की सदारत में पुलिस लाइन में मीटिंग हुई। उसमें पूरी तरीके से गाइडलाइंस बताई गई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसको बहुत तफसील से बताया गया। तो उस जो हिदायत हैं हुकूमत की, उन हिदायत की रोशनी में हम लोगों ने यहाँ दरगाह और मस्जिद के इंतजाम किए हैं खोलने के, और आज से दरगाह खोली गई। पहले उसकी सफाई सुथराई हुई, सैनिटाइज के ज़रिए तमाम फ़र्श को धोला गया, सफाई की गई, और जो नई चटाइयां हैं मस्जिद की उनको हटा दिया गया, और लोगों से ये कह दिया गया है कि वो घर से जब निकलें तो घर से ही वज़ू करें और मास्क लगाएं, रास्ते में आते जाते में मास्क का एहतमाम करें, मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज अदा करें, और फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद में घर जाएं और घर पर वो सुन्नतें और नफल अदा करें। सुन्नतें नफल मस्जिद में ना अदा करें ताकि भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा लोग जमा ना हो पाएँ, ताकि जो समाजी फासला है उस समाजी फासले का एहतियाती तौर पर जो है कदम उठाया जाए, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो तमाम हुकूमती हिदायत और डॉक्टर्स के सलाह मशवरे से ही हम लोगों ने मजहबी मकामात, दरगाहों को, आस्थानों को खोला है, और उन्हीं तरीके से अकीदतमंदों को भी हिदायत दी गई है कि सैनिटाइज होकर के आएँ और मास्क लगा के आएँ, भीड़ ना हो, सिर्फ 5 लोग जाएँ, 5 लोग हाज़िरी दें, उसके बाद में वो वापस आ जाएँ, फिर 5 लोग जाएँ, यही सिस्टम रखा है। अच्छा, एक चीज़ और शाहबुद्दीन साहब से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दरगाह से भी जुड़े रहे हैं और दरगाह आला हज़रत विश्व विख्यात है, यहाँ पर बाहर से भी ज़ायरीन आते हैं, तो कुछ ऐसी आशंका है कि कम से कम बाहर की, तो जो विदेश की हैं वो तो फ़्लाइट्स बंद ही हैं, लेकिन जो और जो आवाजाही है जो आसपास के ज़िलों की, अगर वो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्ट्स भी अब खुले हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग आना चाहते थे वो इस वक्त आएंगे, या फिर वो अपने मकाम पर ही अभी मौजूद हैं? अगर वो लोग आते हैं तो उसको लेकर के क्या वो बड़ी चुनौती होगी ज़िला प्रशासन के लिए भी, और दरगाह के जो प्रबंधक हैं या जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं उनके प्रबंधक हैं, उनके लिए भी ये कितनी बड़ी चुनौती है? अभी तो फ़िलहाल हम लोगों से अपील करते हैं कि वो ना आएँ, ज़्यादा बेहतर है, मगर चूँकि जो बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं वो लोग अपनी अकीदत की वजह से नहीं मानते हैं और वो लोग आ ही जाते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने ये एहतमाम किया है और इसको बाज़ाब्ता तौर पर सख्ती से अमल भी किया जाएगा कि पहले उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा, और सैनिटाइज़ करने के बाद फिर जो समाजी फासला है उस समाजी फासले के साथ में उनकी हाज़िरी दिलाई जाएगी। चादर है, फूल है, तबर्रुक है, इसको सख्ती से मना कर दिया गया है कि कोई भी चादर वगैरह का, फूल का, तबर्रुक का अहतमाम ना करे। जो लंगर होता है उस लंगर को भी अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पर और है, वो मस्जिदों को लेकर के है, क्योंकि मस्जिदों में अभी तक जो लिमिटेड नमाजी मौजूद थे जुमे की नमाज़ को लेकर के, ख़ासकर जुमे की नमाज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो जुमे की नमाज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इस बात पर ज़रा सी रोशनी डालें। जुमे के ताल्लुक से और बाकी नमाजों के ताल्लुक से यही है कि जो बाकी नमाज़ें हैं उनमें से लोग नमाज़ कम पढ़ते हैं, नमाजी भी कम आते हैं,
तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जुमे में ये है कि लोग एहतमाम करते हैं जुमे का, और जुमे की नमाज़ में लोग बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करते हैं, मस्जिद में आते हैं। तो उनके लिए अभी फ़िलहाल वही हुक्म है जो पहले था कि चंद लोग ही जुमे की नमाज़ मस्जिद में पढ़ें, बाकी लोग अपने घरों में जुहर अदा करें। तो देखा आपने इथे मौलाना शाहबुद्दीन साहब जो बता रहे थे किस तरह से प्रशासन की और सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन्होंने लोगों से अपील की कि वो फ़िलहाल अगर जो धार्मिक स्थल है, जो दरगाह है, वहाँ आना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी अगर हो, आपको लगता हो तो ही आए, वरना यही अपील की जा रही है दरगाहों की तरफ से। जो धर्मगुरु हैं, जो उलेमा हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी ना आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ़िलहाल की स्थिति तो यही है कि कोरोना वायरस के इस संक्रमण से बचना है, सरकार ने ज़रूर खोल दिया हो शर्तों के साथ इन धार्मिक स्थलों को, लेकिन इस कोरोना वायरस संक्रमण का जो ये महामारी है, विश्व महामारी है, इसका संकट अभी टला नहीं है। तो जाहिर तौर पर धार्मिक स्थलों पर जो श्रद्धालु हैं, जो अकीदतमंद हैं, उनको ध्यान रखना होगा, एहतियात बरतनी होगी। दरगाहें, जो प्रबंध कमेटियाँ हैं, वो अपनी तरफ से एहतियात कर रही हैं, लेकिन लोगों को भी अपनी तरफ से ये एहतियात करनी पड़ेगी। अमृत विचार के लिए कैमरामैन शारिक के साथ मोनिस खान।